दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडीगार्ड शेरा के बारे में। उसका असली नाम गुरमीत सिंह जौली है। मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है, लेकिन शेरा उर्फ गुरमीत सिंह जौली का जन्म मुंबई का है। यानी शेरा की जो पैदाइश है वो मुंबई की है। शेरा के पिता अपनी जवानी के दिनों से ही मुंबई आ गए थे और उन्होंने काम धंधा करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में शेरा के पिता ने, जिनका नाम जोगेंद्र सिंह जौली है, छोटी मोटी नौकरी की, लेकिन उन सब में शेरा के फादर का मन नहीं लगा। इसके बाद शेरा के पिता ने एक गाड़ी की वर्कशॉप, जहां पर गाड़ियों के काम होते थे, यानी गाड़ियों की रिपेयरिंग होती थी, वहां पर काम करना शुरू कर दिया। जिसके बदले में शेरा के पिता को ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन वहां उनको गाड़ियों का काम सिखाया जाता था। थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे। रहने और खाने का अरेंजमेंट भी वहीं से हो गया था। धीरे धीरे शेरा के फादर ने गाड़ियों का तो सारा काम सीखा ही सीखा, लेकिन एक काम और सीख लिया था, और वो काम था चोरी की गाड़ियों को डेंट पेंट करके उनकी पहचान बदलना। कुछ समय के बाद शेरा के पिता ने अपनी अलग गाड़ियों की वर्कशॉप खोल ली। इसके बाद उन्होंने शादी किया और उन्हें एक बच्चा हुआ, जिसका नाम गुरमीत सिंह जौली उर्फ शेरा रखा गया। शेरा के फादर सिर्फ गाड़ियों की डेंट पेंट ही नहीं करते थे, बल्कि गाड़ियों की खुद चोरी कराकर उन्हें डेंट पेंट और रिपेयर कराकर न्यू कस्टमर को सेल करते थे। या अगर वो गाड़ी अच्छी नहीं होती थी तो उन गाड़ियों को कबाड़ी के यहाँ पर कटवा कर उनके बदले में पैसे ले लिए जाते थे। शेरा की मदर एक हाउसवाइफ थी और अब उनका देहांत हो गया है, लेकिन पिता अभी भी जीवित हैं। शेरा अपने भाई बहनों में अकेला था, यानी शेरा के माता पिता की शेरा के अलावा कोई भी संतान नहीं थी। शेरा को अपनी किशोर अवस्था से ही, यानी अपनी टीनेज के समय से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था, और शुरुआती दौर में शेरा ने अखाड़े में पहलवानी भी की थी, लेकिन फिर पहलवानी में इसका मन नहीं लगा और पहलवानी को छोड़कर इसने बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू कर दी। पहले जूनियर मिस्टर मुंबई का खिताब जीता, फिर जूनियर वर्ग में ही मिस्टर महाराष्ट्र का खिताब जीता। इसके अलावा जहाँ भी बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन होता या बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप होती तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए जाता। एक दिन सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटी देने वाली कंपनी, जिसका नाम विज क्राफ्ट था, उसकी नज़र शेरा पर पड़ गई और अपनी कंपनी में काम करने का इसको ऑफर दिया। अपनी कंपनी में जॉब करने का इसको ऑफर दिया एज अ बाउंसर। शुरुआत में जब कंपनी ने जॉब ऑफर की तो शेरा ने उस जॉब के लिए मना कर दिया, और इसका कारण था शेरा की गुंडागर्दी और अय्याशियां। शेरा अपने शुरुआती दौर में ही अच्छी बॉडी बना चुका था, इसकी अच्छी फिजिक थी, और आए दिन कहीं न कहीं झगड़ा करता रहता था, मारपीट करता रहता था। तो एक दिन शेरा के पिता ने शेरा की इन्हीं अय्याशियों की, इन्हीं गुंडागर्दी की वजह से उससे परेशान होकर कहा, जो वर्कशॉप थी उनके फादर की, उस पर बैठे वर्कशॉप का काम संभाले। वर्कशॉप का काम संभालने के लिए जब शेरा को बोला गया तो उसने इस काम को करने से मना कर दिया। इसके बाद शेरा ने उसी कंपनी को ज्वाइन करने का मन बनाया, जिस कंपनी ने उसे एज अ बाउंसर नौकरी का ऑफर दिया था। विज क्राफ्ट कंपनी में शेरा को विदेशी सेलिब्रिटीज के भारत दौरे पर उन्हें सिक्योरिटी देना था। उसका काम किसी भी इंडियन सेलिब्रिटी को सिक्योरिटी देना नहीं था, सिर्फ विदेशी सेलिब्रिटीज जो इंडिया के दौरे पर आते थे, भारत के दौरे पर आते थे, उनको सिक्योर करना था। लेकिन 1995 में सोहेल खान ने शेरा को सलमान खान के एक विदेशी दौरे पर जाने के लिए हायर किया, उसको बुक किया। विदेश से आने के कुछ दिन बाद सलमान चंडीगढ़ के दौरे पर गया था तो शेरा को वहां पर भी जाने के लिए बुक किया, यानी वहां पर भी सलमान की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया। इसके बाद सलमान को न सिर्फ इसकी सिक्योरिटी का तरीका पसंद आया, बल्कि सलमान ने शेरा को परमानेंट अपने साथ में रख लिया। 1997 से शेरा आज तक लगातार सलमान के साथ है और उसकी सिक्योरिटी कर रहा है। शेरा सलमान के लिए सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं था, न था न है, शेरा सलमान का पर्सनल गुंडा बन के रह रहा था, और आज भी उसका वही काम है। सलमान के लिए किसी को भी धमकी देना, मारपीट करना, सलमान के लिए अय्याशियों का इंतजाम करना, ये सारे इंतजाम करता है सिर्फ और सिर्फ शेरा। यानी शेरा को सलमान खान का राइट हैंड कह सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और काम है जो शेरा सलमान खान के लिए करता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले बात करते हैं शेरा की पर्सनल लाइफ के बारे में। शेरा की शादी हुई थी एक महाराष्ट्रीयन लड़की से, जो शुरू से ही सलमान खान के मैनेजमेंट कंपनी संभालती है। शेरा का एक बेटा है जिसका नाम है टाइगर, जिसे सलमान खान अपनी छत्र छाया में तैयार कर रहा है, और इस दिशा में उस पर काम किया जा रहा है ताकि उसको फ्यूचर में एक स्टार बनाया जा सके। सलमान खान की एक मूवी आई थी सुल्तान, जिसमें शेरा का जो बेटा है टाइगर, उसने उस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, यानी उस फिल्म में डायरेक्टर को असिस्ट किया था। इसके अलावा खुद शेरा सलमान की एक फिल्म आई थी बॉडीगार्ड, उसमें एक गाने में नजर आ चुका है। सलमान खान शेरा के बेटे को फ्यूचर स्टार बताता है और आने वाले समय में उसे एज एन एक्टर जल्दी लॉन्च करने वाला है अपने होम प्रोडक्शन की मूवी से। इसके अलावा अगर खुद शेरा की बात करें तो शेरा बॉलीवुड की हर एक हीरोइन के साथ में ऐश कूटता है, चाहे वो करीना कपूर हो या जैकलीन फर्नांडिस।
माधुरी दीक्षित के हाथों शेरा को बेस्ट बॉडीगार्ड का अवार्ड दिलवाया जाता है। हीरोइन के साथ में इसके फोटोज खिंचवाए जाते हैं, जैसे सलमान खान का बॉडीगार्ड नहीं बल्कि चुलमान का फूफा हो। क्या आपने कभी किसी अन्य फिल्म स्टार के बॉडीगार्ड को देखा है? क्या आप किसी अन्य फिल्म स्टार के बॉडीगार्ड का नाम तक जानते हैं? ऐसा तो है नहीं कि अकेला सलमान खान ही बॉडीगार्ड लेकर घूमता है। छोटे छोटे जो टीवी एक्टर्स हैं आज की डेट में वो भी बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि शेरा इतनी ज्यादा लाइमलाइट में रहता है, किसी भी हीरोइन के साथ फोटो क्लिक करा लेता है, वो भी ऐसे जैसे ये कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि इन सभी हीरोइन का दोस्त हो, इनका बहुत ज्यादा जिगरी यार हो। सलमान खान और शेरा की दोस्ती मानी जा सकती है क्योंकि दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। शेरा सलमान को सिक्योर कर रहा है तो दोस्ती होनी या दोस्ती जैसा रिश्ता होना वहाँ पर एक सामान्य सी बात है। लेकिन एक्ट्रेसेस के साथ में शेरा का ऐसा रिश्ता, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें इस बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, शेरा चुलमान का बॉडीगार्ड कम क्राइम पार्टनर ज्यादा है। शेरा सलमान के साथ 1997 से है, तभी से शेरा लगातार न सिर्फ सलमान खान की गुंडागर्दी वाले कामों को अंजाम दे रहा है बल्कि आज के समय में शेरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गर्ल्स ट्रैफिकिंग में सलमान के सबसे बड़े मोहरों में से एक है। एक जगह से दूसरी जगह लड़कियों की खेप को शेरा की निगरानी में भेजा जाता है। इसके अलावा शेरा बीइंग ह्यूमन की मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टेबाजी से भी जुड़ा हुआ है। बीइंग ह्यूमन के अंदर कैसे कैसे काले कारनामे किए जाते हैं इस पर भी हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे काले कारनामे समाज सेवा के नाम पर किए जाते हैं। 2016 में शेरा पर एक व्यक्ति की गर्दन तोड़ने का आरोप लगा था और कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति था जिसकी गर्दन तोड़ी गई थी, ये सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन के थ्रू सट्टा लगाता था, यानी बीइंग ह्यूमन के थ्रू सट्टेबाजी करता था ये बंदा, लेकिन ये कई लाखों रुपए सट्टेबाजी में हार गया था। तो शेरा द्वारा बीइंग ह्यूमन की तरफ से इससे पैसे मांगने के लिए गया और जब उस बंदे से इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई तो बदले में शेरा ने उस बंदे की गर्दन की हड्डी तोड़ दी। ये केस पुलिस में भी गया था, लेकिन जब पुलिस वालों को पता चला कि शेरा वास्तव में है कौन, तो पुलिस वाले खुद अपनी जिप्सी में शेरा को उसके घर पर छोड़कर गए थे। हीरोइन के साथ शेरा की फोटोज का राज ये है कि जो बड़ी बड़ी हीरोइंस गर्ल्स ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में है, वो कई बार शेरा की सर्विसेज लेती है लड़कियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। यही कारण है कि शेरा कई फिल्मी हीरोइंस के साथ संबंध भी रख चुका है, जो कि सारे रिश्ते सलमान खान की छत्र छाया में बने थे। शेरा एक सिख परिवार से बिलोंग करता है और कहा जाता है कि एक सिख की पगड़ी उसका मान होती है, यानी सबसे बड़ा सम्मान होती है। शेरा ने अपनी पगड़ी पहली बार सलमान के कहने से उतारी थी और सलमान के कहने से ही फिर वो पगड़ी दोबारा नहीं पहनी, यानी पैसे मिले तो धर्म भूल गया। पैसे की बात आई है तो इसकी सैलरी की भी बात करते हैं। जनरली फिल्म स्टार्स के बॉडीगार्ड्स जो होते हैं वो 4 से 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेते हैं, और अगर स्टार थोड़ा छोटा है यानी शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह जैसा स्टार है तो इनके जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी सैलरी होती है 2 से 3 लाख रुपए। लेकिन हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, अजय देवगन जैसे स्टार्स के बॉडीगार्ड्स की, तो इनके जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी सैलरी है 4 से 5 लाख के बीच। अकेले सलमान खान का बॉडीगार्ड ऐसा है जिसकी सैलरी 2 करोड़ रुपए सालाना है, यानी अगर मंथली हम देखें तो 16,66,000 रुपए महीना, यानी कि बाकी जो सुपरस्टार्स के बॉडीगार्ड्स हैं उनकी सैलरी से 3 गुना से ज्यादा सैलरी अकेले शेरा की है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि सलमान खान जैसा सुपरस्टार, सलमान खान जैसा इंसान यूं ही फ्री में पैसा क्यों देगा, वो भी हर महीने, जब किसी काम के लिए 5 लाख में एक बंदा आ सकता है, उस काम के लिए 16,65,000 रुपए क्यों दिए जाएं? शेरा की एक सिक्योरिटी कंपनी पहले से थी, लेकिन सलमान खान की मेहरबानी ऐसी थी कि शेरा से जबरदस्ती एक और कंपनी खुलवाई गई, जिसका नाम शेरा ने अपने बेटे टाइगर के नाम पर टाइगर सिक्योरिटी रखा। ये जो टाइगर सिक्योरिटी कंपनी थी, कहने को सिक्योरिटी कंपनी है लेकिन ये एक मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी है जो सलमान की निगरानी में चलती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बाकी बॉडीगार्ड्स के मुकाबले शेरा को 3 गुना से ज्यादा सैलरी देने और एक अलग से कंपनी खुलवाने का क्या रीजन हो सकता है? क्या आपको लगता है कि शेरा एक सामान्य बॉडीगार्ड है? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए, और अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।